नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष मिश्रा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस जानकारी को आप भी अपने आसपास, अपने मित्रों, अपने परिवार के लोगों के साथ साझा करें, ताकि तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों से अपने व अपनों को बचाया जा सके। तो आइए जानते हैं कि आखिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया क्यों जाता है। विश्व तंबाकू दिवस को मनाने का एक कारण ये है कि आज का जो हमारा युवा है वो नशे की लत में लगातार संलिप्त होता जा रहा है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, खैनी हो, चरस हो, अफीम हो, इसके रूप में वह नशे का आदि होता चला जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में की थी। तब से प्रत्येक वर्ष इसी दिन इसे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 60 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू के प्रयोग के कारण मर जाते हैं। इसलिए इस दिन को मनाने के पीछे की वजह यही है कि आम जनमानस को इसके प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए और तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों को उन्हें छुड़वाया जाए। तंबाकू एक धीमा जहर है जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के मुंह की में ढकेलता जाता है। लोग जाने अनजाने में तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, धीरे धीरे शौक लत में परिवर्तित हो जाता है। तब नशा आनंद प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि ना चाहते हुए व्यक्ति को करना पड़ता है। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू, गुटखा, चीलम आदि। गुटके, बीड़ी, हुक्के का हर एक कस व खैनी की हर एक चुटकी हर पल आपको मौत की ओर ढकेलती जाती है और व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि कब वह इस लत में आदि हो गया है और ना चाहते हुए व्यक्ति इस लत को करने के लिए मजबूर हो जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर WHO द्वारा बहुत से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें युवाओं को, नशे के आदि व्यक्तियों को नशा छोड़ने के उपाय बताए जाते हैं। WHO ने साल 2008 में तंबाकू निषेध मनाने के दौरान तंबाकू के प्रचार और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में बड़े बड़े होर्डिंग्स, TV पर बड़े बड़े सिनेमा के कलाकारों के द्वारा इस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। तो हम सभी जागरूक बने, अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझें और इस पदार्थ के सेवन से बचें, क्योंकि तंबाकू का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां, नींद ना आना, थकान महसूस होना, ये सब बीमारियां धीरे धीरे व्यक्ति में हो जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे मौत के मुंह की ओर अग्रसित होता जा रहा है। तो आइए इस 2024 में 31 मई 2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आइए हम सभी शपथ लेते हैं कि अपने व अपनों को खुशहाल जिंदगी के लिए हम सभी प्रण लें कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि तंबाकू का सेवन ना करें और जो तंबाकू के आदि हो चुके हैं उन्हें इस नशे से मुक्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी एक सशक्त, स्वस्थ भारत का निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद।